खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कोरलाल खरते ने कांग्रेस की जीत को जनता की जीत बताया और मोदी लहर को सिरे से नकारते हुए कहा कि खरगोन में नरेंद्र मोदी नहीं गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला गजेंद्र सिंह पटेल से है और हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जैसे आपने बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, वास्तव में ये बड़ा चुनाव होता है और देश की जो बड़ी पंचायत है दिल्ली लोकसभा, उस सदन में जाके बात रखना एक अपने आप में गौरव की बात होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो उसकी जो तैयारी है उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र के जितने बड़े लीडर हैं, जिसमें माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, माननीय श्री रवि जोशी जी हैं, माननीय श्री बाला बच्चन जी हैं, माननीय सुश्री विजय लक्ष्मी साधो जी हैं, और हमारे जो रनिंग MLA हैं 5, वो और जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रहे वो, और कांग्रेस के बड़े लीडर जो इस इलाके में काम करते हैं, फिर कांग्रेस का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वहां से लेकर मंडल, सेक्टर, जिला, ब्लॉक, सारे लोग इस चुनाव को हम मिलकर लड़ रहे हैं। और ये चुनाव हमने जैसे बोला कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हमको कार्यकर्ता को सांसद बनाना है, इसलिए हमको इस जीत के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं।